गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। आज हम लोग बात करते हैं सम स्कॉलरशिप्स पीएचडी पोजीशंस के बारे में अब्रॉड, यूनाइटेड किंगडम्स एंड अदर पार्ट ऑफ यूरोपियन नेशन में। तो आज एक यूनिवर्सिटी है, उमिया यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटीज़ में हम बात करते हैं कहाँ पर कौन सी पोजीशंस निकली हुई है। ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है स्वीडन में, वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम आता है। और इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं मास्टर प्रोग्राम्स के लिए, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, फुली फंडेड पीएचडी प्रोग्राम्स जो अभी अवेलेबल्स हैं इस यूनिवर्सिटी में। हम उसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इस उमिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पे हम इसके साइट को डायरेक्टली स्टडी करने के लिए कैसे करते हैं, वहाँ बहुत सारे लिंक्स आपको मिलेंगे, वर्क विद अस, रिसर्च, कॉन्टैक्ट्स। आप बाकायदा इस वेबसाइट को डायरेक्टली रीड कीजिए प्रॉपरली एक एक पॉइंट्स को। और जैसे ही आप एजुकेशन में जाएंगे तो मास्टर प्रोग्राम्स के लिए एजुकेशन करना है तो वहाँ कर। अब आप पीएचडी प्रोग्राम्स या पोस्ट पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हैं तो रिसर्च के सेक्शन में जाके हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम बहुत सारे कॉलम्स देखते हैं, प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, ग्रुप, डॉक्टरल स्टडी, साइंस, डिपार्टमेंटल। आप वहाँ पर डिपार्टमेंट में भी जाके स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, किस डिपार्टमेंट पर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो सारे बकायदा एक एक डिपार्टमेंट वहाँ पे आ जाएंगे तो वहाँ से डायरेक्टली आप जाके पता कर सकते हैं। या सेकंड चीज़ हम ये कर सकते हैं डायरेक्टली, आज हमारा जो है कि डॉक्टरल स्टडी यानी पीएचडी के बारे में डिटेल पता करते हैं तो वहाँ पे हम इस कॉलम में करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स क्या है उस चीज़ को देखिए, कॉन्टैक्ट्स कैसे करना है आर्ट में, मेडिसिन में, सोशल साइंस में, जिस फैकल्टीज़ के साथ आपको आपका सब्जेक्ट आपका कोर्स मैच करता है उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। फर्दर क्या है, एडमिशन कोर्स कैसे, सभी चीज़ें। और नीचे आते हैं तो आपको दो तीन चीज़ें कॉलम्स मिलते हैं यहाँ पे, डिफेंस विद डॉक्टरल थीसिस के साथ जो पीएचडी कर चुके हैं बच्चे उनके लिए। दूसरा है ओपन पोजीशन, ये आपका मेन पॉइंट है ओपन पोजीशंस। तो यहाँ आप डायरेक्टली क्लिक करिए और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सारी पोजीशंस जो अवेलेबल्स हैं रिसर्च से रिलेटेड वो सब अवेलेबल मिल जाएंगे। तो सीनियर लेक्चरर, अगर आप लेक्चरशिप के लिए जाना चाहते हैं या प्रोफेसर्स के लिए सीनियर लेक्चर, बिजनेस, जो भी चीज़ें अवेलेबल्स हैं वहाँ पे। और सीधा कॉलम, क्योंकि यूरोप में अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो वो पीएचडी स्टडी नहीं मानी जाती, वो एक जॉब मानी जाती है जो कि बहुत ही बेहतर होता है आपके वहाँ के सिटीजनशिप या पीआरशिप या वहाँ पे वर्क परमिट के लिए, दैट इज मच बेटर। तो आप इस चीज़ को यहाँ एक आ रही पीएचडी इन फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल में, और नीचे वन बाई वन आप देखते जाइए कौन कौन से चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल्स हैं। पोस्ट डॉक्टरल, अगर आप पोस्ट पीएचडी करने जाते हैं पार्किंसन डिसीज में तो आप यहाँ पर भी इस चीज़ को, ये आ गया पीएचडी पोजीशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप करना चाहते हैं। और नीचे हम एक एक करके चलते फिर इसमें आएंगे, पोस्ट डॉक्टरल बायोकेमिस्ट्री में है, पोस्ट डॉक्टरल पोस्ट प्रोटीएज फोटोसिंथेसिस माइक्रोऑर्गेनिज्म, सीनियर रिसर्च असिस्टेंट ये है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन चार पोस्ट पीएचडी पोजीशंस हैं, दो पीएचडी की पोजीशंस हैं। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पीएचडी करना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक करेंगे तो इसमें बाकायदा आपको डिटेल्स मिलेगा एप्लीकेशंस भरने से पहले। ये पहले आपको 6 मंथ के लिए पीरियड मिलेगी तो आपका देखेंगे क्राइटेरिया आप किस तरीके से हैं, तो उस तरीके पहले 6 मंथ का वीज़ा आपको मिलेगा। बट आप यू नीड टू बी बिग मेक अवर सेल्फ मोर कॉन्फिडेंट, मोर एकेडमिकली गुड, तो इस चीज़ को और आगे लांग जाएगा। तो ये पूरा पीएचडी का प्रोजेक्ट है, क्या करना चाहते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट पीएचडी प्रोजेक्ट एम टू डिफाइन एंड इवेलुएट मेथोडोलॉजी, फैसिलिटेट प्लाज्मोडियम वगैरह जीन्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ इन होस्ट मलेरिया पैरासाइट पर एक रिसर्च वर्क है। तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, क्वालिफिकेशंस के लिए क्रिस्पर कैस 9 प्रोटीन्स के बारे में ही है क्योंकि आज का रिसेंट यही सबसे अच्छा रिसर्च बेस चल रहा है। बेसिस ऑफ असेसमेंट क्या क्या होंगे, कैसे करेंगे, नॉलेज स्किल्स रिलेवेंट डॉक्टरल के लिए आपका रिसर्च में क्या एबिलिटी कैसे है फार्मुलेट करते हैं, स्किल्स राइटिंग कम्युनिकेशंस कैसा आपका इंग्लिश में है, ये सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से चीज़ें हैं, अब अप्लाई करने के लिए आपको CV अच्छे से करना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा, कवर लेटर पब्लिकेशन सारी चीज़ें, उनकी कॉपी डिग्री की सारा और कवर लेटर, आप सारी डिग्रीज, आपका CV और रेफरेंस 2 या 3 रेफरेंस लेटर्स के साथ एक PDF फाइल बना के, जो ये ईमेल आईडी दिया गया है ELLEN.BushShells@umia.se वहाँ पे भेजना है। और इसकी लास्ट डेट है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जाकर
16 नवंबर 2020 है जो आने वाले इसी में 10 दिन बाद है। तो आप सैलरी बेस्ड या मंथली इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये एक बेहतरीन पीएचडी पोजीशंस का ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं कि आप यूरोपियन नेशन में एज ए वर्कर वर्किंग यानी वर्क जॉब के रूप में जाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पे पीएचडी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, 3 साल के लिए ये पीएचडी प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से और भी न्यूज़ में अपडेट करूँगा एवरी 2 या 3 डेज़ में पीएचडी पोस्ट पीएचडी पोजीशंस के बारे में यूरोप में और यूनाइटेड किंगडम्स में विद आवर सब्जेक्ट जो हम चला रहे हैं सीरीज़ के साथ। होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हमें और भी चीज़ें अगर आपको लगता है कि और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ डू दिस, ये आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेटर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग टाइम फॉर मी।